बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ शाही माश दाल। बहुत ही अच्छी बनेगी और बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल शामिल किया है, फ्लेम मैंने मीडियम लगाई है इसमें। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज शामिल किया, डिफरेंट से रेसिपी है। इसमें मैं दो इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी जिससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो बहुत ही अच्छे से ये दाल बनेगी, आप इसको एंड तक देखें। प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को मैंने गोल्डन कलर का किया है, लाइट गोल्डन में, और उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। एक से दो मिनट तक इसको भी फ्राई करना है प्याज के साथ। इसका कलर आपने ज्यादा डार्क नहीं करना। स्टेज पे अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दो दरमियाने साइज के टमाटर, और इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि दाल में छिलका टमाटर का है तो अच्छी दिखने देती। टमाटर शामिल करने के बाद अब इसमें ये ड्राई मसाले डालूंगी, नमक, सूखी मिर्च और हल्दी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला ना जले। अब 3 से 4 मिनट लगेंगे ताकि मसाला भी अच्छे से पक जाए और टमाटर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए मसाले में। 3 से 4 मिनट बाद मसाला अच्छे से ये भुन गया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी ये दाल। दाल को मैंने हाफ आवर पहले भिगो दिया था। पकाने से पहले इसको थोड़ा भिगो दें तो ये अच्छी बन जाती है। अब मेन स्टेप है इसको भुनना। इसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मीडियम फ्लेम पे इस मसाले के साथ हम मैं इसकी भुनाई करूंगी। दाल की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ गर्म मसाला मिक्स, इसका पाउडर बना लिया, और खुश्क धनिया। इसके अलावा मैंने आपको दो जो मेन इन्ग्रीडियंट्स बताए थे वो हैं अजवाइन और मेथी। ये खुश्क मेथी है, इसको भी मैंने हाथ से मसल लिया है। अजवाइन को भी थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया है। इन चारों चीज़ों को इसमें शामिल करूंगी। आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को शामिल करें, बहुत ही अच्छा जायका इसका बनेगा दाल का। साथ ही थोड़ा सा शामिल करूंगी मैं पानी। पानी इतना हमने शामिल करना है जिसमें दाल गल जाए। तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें गया। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और दाल गलने का वेट करूंगी। 15 मिनट बाद मैंने लेट उतारा, दाल भी अच्छे से रेडी हो गई है। अब एंड में इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। हरा धनिया मैंने बारीक कट कर लिया है और हरी मिर्चें मैंने 2 ली हैं, इनको दरमियान से कट कर लिया। लीजिए ये ज़बरदस्ती शाही दाल माश रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अच्छी से अच्छी मेरी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ।